उनके गुण अपने सामने हैं, उनके विचार अपने सामने हैं, कुछ कार्य उन्होंने शुरू करा दिए, वो दिशा अपने सामने है। अपूरणीय क्षति अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो होगी जरूर, परंतु जो कार्य अशोक जी ने हाथ में लिया और जो काम हम सब लोग कर रहे हैं किसी किसी संगठन के अंग बनकर, वो कार्य तो ईश्वर की इच्छा से चलता है और देश भर में लाखों कार्यकर्ता उन कार्यों के लिए काम करते हैं और अशोक जी सहित अनेक महापुरुषों की पुण्याई उसमें एक इन्वेस्टमेंट के रूप में लगी है, वो रंग लाए बिना नहीं रहे। हम अगर प्रयास अपने जारी रखते हैं तो उस व्यक्तित्व की कमी तो रहेगी, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ हमारा इलाज चलता तो ये श्रद्धांजलि सभा करने का मौका ही हम नहीं आने देते, परंतु ऐसा होता नहीं, वो नियति का नियम है। परंतु उनके संकल्पों की पूर्ति के लिए प्रयास करना, इसकी तो आवश्यकता है और वो अगर हम करते रहेंगे तो उन्हीं के पुण्य के कारण, उन्हीं के बताए हुए दिशा के कारण, जिस ईश्वरीय संकल्प के साधन वो बने, उस संकल्प के कारण कार्य के पूर्णता के बारे में कोई अपूर्णीयता नहीं रहेगी।